हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी मैदा के खास्ता ठेकवे। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं और इसे बनाना भी काफ़ी इजी है। ये बिहार की फेमस रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं ठेकवा। ठेकवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 400 ग्राम मैदा, चीनी 150 ग्राम, सूजी 100 ग्राम, गरी और सौंफ, और तलने के लिए रिफाइन ऑयल। अब हम मैदे को एक बड़ी बर्तन में डाल देंगे। और सूजी को भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह हाथ से हम मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह इस तरह मिलाते रहेंगे ताकि ये खास्ता हो जाए। देखिए, हमारा खास्ता बनके रेडी हो चुका है। ये टूट नहीं रहा है, इसका मतलब खास्ता बन गया है। और हमने इसमें पानी ज़रा सा भी नहीं दिया है, सिर्फ ऑयल से खास्ता किया है। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और एक गिलास पानी को गुनगुना गरम कर लेंगे। हमारा पानी गुनगुना गरम हो चुका है, अब गैस ऑफ कर देंगे और इसमें चीनी को हम मिक्स कर देंगे। और इसमें हम अच्छी तरह मिला लेंगे। सूजी और मैदे में गरी और सौंफ को मिला लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इस चीनी पानी को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके हम इसमें मिलाते रहेंगे और इस तरह मिलाते रहेंगे। इसे काफ़ी टाइट गूंथते हैं, इसे गीला नहीं करते हैं। देखिए, काफ़ी टाइट है। अब इसको हम इस तरह गोल कर लेंगे और इसे रोटी जैसा बेल देंगे। अब इसको कटोरी से इस तरह बैठा के
से निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी ठोक के भी बना सकते हैं। अब दोबारा को भी देखिए इस तरह इतनी मोटी मोटी। अब गैस को ऑन कर लेंगे, इसमें पेन को गर्म होने देंगे। पेन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम ऑयल को डाल देंगे। अब इस ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। इसमें हम थोड़ा सा डाल के देख लेंगे, एक गर्म हो चुका है। तेल को मीडियम गर्म होने देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे, नहीं तो ठेकुआ जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये एक एक करके हम छोड़ देंगे। गैस को स्लो फ्लेम में रख के इसको पकने देंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। हमारा ठेकुआ बन के रेडी होगा। ये लाइट ब्राउन हो चुका है, इसे डार्क ब्राउन नहीं होने देंगे। अब इसे हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेते हैं और इसे रख देते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए। दोबारा गर्म ऑयल में ठेकुए को छोड़ देंगे। और इसे स्लो फ्लेम में पकने देंगे। अब हमारा ठेकुआ बनके रेडी है, इसे ठंडा होने दें फिर खाएं। अगर ये डिश आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।